ज वेलकम ट्राई दि बैक सो so यार आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन क्या है हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग लाइक किसी स्ट्रिंग में से डुप्लीकेट कैसे रिमूव कर सकते हैं लाइक like बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैं आपको पहले समझाऊंगा कैसे मतलब क्या है क्वेश्चन क्या, क्या, क्या है उसको कैसे कर सकते हैं सेकेंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है सेट तो वीडियो प्लीज स्टार्ट से एंड तक देखना बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इंटरव्यू में जितने भी कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन हैश सेट मैप पे होते हैं तो प्लीज़ इसको ढंग से समझना भी इवन और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और भी इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं ओके okay? तो सबसे तो पहले एक स्ट्रिंग है ठीक है स्ट्रिंग क्या है आपका सपोज मैं ये नाम ले लेता हूँ बहुत ही बढ़िया आदमी का नाम है ये ठीक है अब इसमें से यार डुप्लीकेट क्या क्या है डुप्लीकेट क्या है डुप्लीकेट इसमें कैरेक्टर हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर डुप्लीकेट है तो मैं इसमें से डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ अब ए एक बार तो आएगा एन अभी नहीं आया एच ए पहले आ चुका है सो so, फिर ए को नहीं लेंगे हम फिर आई फिर इसमें क्या है वाई अब ए दोबारा आ चुका है तो दोबारा ए को नहीं लेंगे एक एग्जाम्पल और समझते हैं सपोज देर इज स्पेलिंग नॉन सेंस ओके एक वर्ड है नॉन सेंस अब इसमें से हमें डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो कैसे करेंगे सबसे पहले एन एन नहीं आया अभी तक ओ वो नहीं आया एन आ गया इसलिए एन नहीं लेंगे एस लेंगे ई e ले लेंगे एन पहले आ चुका है तो ई e, एन दोबारा नहीं लेंगे उसके बाद सी नहीं आया अब तक और उसके बाद ई नहीं आया तो ये गया आपका नया वर्ड ठीक है तो अब इसको कोडिंग से कैसे करेंगे दिखते हैं सबसे पहले कि यार देखो पहले तो बेसिक समझ लो कि इसमें से कोडिंग से पहले भी बेसिक समझ लो कि होता क्या है एक हमारे पास सेट होता है मैं आपको सेट समझाऊं सेट क्या होता है सेट के अंदर आपके पास एक कंटेनर होता है जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता है ठीक है डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है ये एस सेट का सबसे प्राइम रूल होता है पहली चीज नो डुप्लीकेट्स ठीक है कोई नहीं रेडिंग थोड़ी गंदी है एंड सेकंड इसमें हर ऑर्डर नहीं होता जो ओरिजिनल सेट होता है उसमें ऑर्डर नहीं होता बाकी तो ऑर्डर सेट है सेट ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपको ऑर्डर नॉन ऑर्डर वाले सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे बट प्राइमरी जो सेट की फंक्शनलिटी होती है उसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते और उसमें कोई ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता सबसे बस आप ए बी सी डी ई एफ ऐड कर रहे हैं ना तो वह किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकता है ठीक है तो इसको इग्नोर मारते हैं अभी के लिए तो आप सेट के अंदर चले गए हम अब सेट से ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ठीक है तो सेट से प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि हम एक स्ट्रिंग को क्योंकि स्ट्रिंग एक अपने आप में कैरेक्टर्स का एरे है ठीक है तो हम हर कैरेक्टर पे कैरेक्टर ऐड शायद एक फंक्शन होता है अगर आपको पता हो तो ठीक है तो आई से इंडेक्स ले लेंगे ले ले उसकी ठीक है उस कैरेक्टर को ले लेंगे हैश सेट में स्टोर कराएंगे राइट अब हैश सेट में स्टोर कराएंगे तो जब भी हम कोई कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे कि वो कंटेन करता है कि नहीं कि वो आपकी वैल्यू को कंटेन करता है कि नहीं है सेट अगर ऐसा है तो फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे राधर देन हम उसको ऐड कर देंगे ओके तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं एक बार कोडिंग में देख लेते हैं यार इसको ठीक है एक्सप्लेन वो काफ़ी हो गया चार साढ़े तीन मिनट हो गए एक्सप्लेन करते करते सो हम आ गए यहाँ पे अब देखो यार एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लो पहला तो की स्पेलिंग तो वही ले लेते हैं नॉन ठीक है अब इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना जो हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा यार बिल्कुल तमीज से चलो जैसे आपको पर्सन चाहता है आउटपुट या फिर रिमूव्ड स्ट्रिंग ठीक है अब यहां पे हमें क्रिएट करना है एक फंक्शन रिमूव डुप्लीकेट्स राइट और इसमें इनपुट क्या देना हमें प्रीवियस वाली स्ट्रिंग अभी फंक्शन नहीं है क्रिएट कर लेंगे इसको क्रिएट मैथड तो स्टैटिक मैथड हमारा क्रिएट हो गया अब यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है मेन जो भी है ठीक है सबसे सब पहले हमें लेना है एक हैश सेट ठीक है अब हैश सेट कैसे लेंगे हैश सेट और इसका टाइप क्या होगा यार टाइप ऑफ कॉस्ट सी बात है जब हम स्ट्रिंग से खेल रहे हैं और हमें डेटा चाहिए कैरेक्टर में तो हमें कैरेक्टर यहाँ पे लेना पड़ेगा और यहाँ पे हम नाम दे दो सेट ही दे दो ठीक है एंड इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डन यू सेट अब एक इसमें नीट पड़ेगी हमें स्ट्रिंग बफर की या स्ट्रिंग बिल्डर की कुछ भी ले सकते हो तो दोनों में से वो थ्रेड सेफ है नॉन थ्रेड सेफ का सीन है मैं बता दे रहा हूं पहले फिर उसकी बात करते हैं आराम से एस एफ न्यू एस एफ इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा बिकॉज हमें कोई स्ट्रिंग स्टोर तो करानी है ना हमें स्ट्रिंग क्लास के अंदर तो कुछ स्टोर कराते नहीं है कोई फंक्शन ही नहीं है ठीक है तो यहां हमें एक एस एफ बनाना पड़ेगा अब हम चलते हैं एक लूप के अंदर एंड आई एंड कब तक चलेगा ये लूप भाई जब तक आप पूरा ट्रैवर्स नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा लास्ट में कौन सा वर्ड है कौन सा नहीं है ठीक है तो पूरा ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो स्ट्रिंग लेंथ तक उसकी एंड आई प्लस प्लस सिंपल एंड अब उसके बाद हमें चाहिए कैरेक्टर यार कोई कैरेक्टर चेक करने के लिए कैरेक्टर लेना पड़ेगा ना अब यहाँ पे कैरेक्टर सी और वो काम लेगा मैं स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट जैसे कि मैंने आपको बताया था आई पे जहाँ तक समझ में आया ठीक है अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला. If set .contains, ये वाला इफ सेट डॉट कंटेंस ये एक इसका फंक्शन होता है कंटेंस ठीक है कंटेंस सी अगर वो कैरेक्टर हमारा कंटेन कर रहा है समझो इस चीज़ को पहले फिर एस एफ डॉट uh, चलो मैं बैट बता देता रहा हूँ कंटेन अगर वो नहीं करता है तो वरना हमें एल्स कोड लिखना पड़ेगा अगर वो कंटेन नहीं करता है तब हम उसको सेट में ऐड करेंगे पहले तो सबसे पहले एंड देन उसको एस एफ में ऐड करेंगे समझे लॉजिक सेट में ऐड करेंगे एंड देन एस एफ में ऐड करेंगे बस हो गया आपका काम यहीं तक था कोड ओनली अब उसके बाद ये फंक्शन है स्टैटिक क्या रिटर्न टाइप है इसका स्ट्रिंग तो यहां से रिटर्न कर दो रिटर्न क्या करोगे एस एफ डॉट टू स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग बफर का एक फंक्शन होता है राइट right? सो so, लग तो रहा है ये चल जाएगा ठीक है तो चला के देख लेते हैं इसको आउटपुट तो कर दो यार फंक्शन में डेटा तो ले लिया बट आउटपुट नहीं करा ओके सो ये आ गया नो सेक मतलब इसने आपके डुप्लीकेट जितने भी कैरेक्टर्स थे इसमें रिमूव कर दिए इवन अगर आप यहां पे एक और वर्ड डाल दोगे तो उसके बाद वो उसके स्पेसिस को लेके स्पेसिस भी रिमूव कर देगा एंड डुप्लीकेट जो उसके बाद कैरेक्टर होंगे वो आप पूरा कंप्लीट दिखा सकते हैं इसमें और यहाँ पे आप चाहो तो सिस्टम डॉट आउट करके एंड इनपुट भी ले सकते हो यूज़र से ठीक है सो so, अगर यार इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना एंड कमेंट करो अगर आपको कोई भी इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो करंट इस समय कौन से कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेट में कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट करो ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाई सही तो लग रहा है ये ठीक है एंड कोड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वैसे बहुत बेसिक कोड है आप कर सकते हो एंड यार मैटर ये है कि आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है आपको इसका लॉजिक याद रखना है दिमाग में कि ये लॉजिक यार कैसे बना था हम किस जगह पे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्योंकि रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव स्ट्रिंग लाइक रिमूव वर्ड्स डुप्लीकेट वर्ड्स भी हो सकते हैं तो वर्ड्स को आप कैसे करोगे रिपीट कैरेक्टर रिपीट स्ट्रिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को किस डेटा सक्सर से और अदर देन डेटा स्ट्रक्चर भी किस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो कोड दिमाग में मत रखना ठीक है तो चलो यार बाबा तब तक के लिए एंड यार अगर अब तक क्वेश्चंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये जावा अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉलो कर लो ठीक है पूरी प्ले लिस्ट है एंड बाकी यहाँ पे आपकी जावा वगैरह की प्लेलिस्ट भी है ठीक सो so इनको भी फॉलो कर लो ठीक है तो चलो मिलते हैं तब तक के लिए बाबा